नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। वहीं 7 नवंबर प्रथम चरण के अंदर 9 जिले और 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों द्वितीय चरण 17 नवंबर को होने वाला है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे 2 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अति बार ओपिनियन पोल के तहत किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है वो भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। लेकिन द्वितीय चरण में किस पार्टी को कितना बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है वो देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं दोस्तों आप किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वहां आती बार किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ। वहीं दोस्तों 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो यहां पर भूपेश बघेल को बड़ा ही बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी, लेकिन अति बार क्या भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या देंगे बीजेपी को मौका? क्या 90 विधानसभा सीटों पर भूपेश बघेल का राज होगा क्या और पार्टी हासिल करेगी सीटें? बात करें सर्वप्रथम सीट राजगांव की तो यहां पर कुल 6 सीटें है, तो 6 में से दोस्तों बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आई है। बस्तर जिला की कुल 3 सीटों पर बात करी जाए तो यहां पर बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 और आम आदमी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं बात करी जाए कबीरधाम की कुल 2 सीटों पर तो दोनों को यहां पर समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं कोंडा गांव की कुल 2 सीटों पर बात करी जाए तो यहां पर बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देकर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 2 सीट से बड़ा ही बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं नारायणपुर की जिला की कुल 1 सीट पर बात करी जाए तो एक ही एक कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई है, कांग्रेस पार्टी को अब की बार बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 0 और आम आदमी के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। दंतेवाड़ा की कुल 1 सीट पर बात की जाए तो 1 सीट में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बीजापुर जिला की कुल 1 सीट पर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बीजेपी पार्टी को 0 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार। यहां पर सुकमा जिला की कुल 1 सीट पर बात की जाए तो एक में से कांग्रेस ने यहां पर सबको फाड़ कर रख दिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट, बीजेपी पार्टी के खाते में 0 और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। कोबरा की कुल 4 सीटों पर बात की जाए तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार, यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। राजनांदगांव जिला की कुल 6 सीटों पर बात की जाए तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को यहां पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बात की जाए बस्तर जिला की कुल 3 सीटों पर तो 3 में से कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वहीं बात करें जा रायपुर की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 से संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार। वहीं आम आदमी और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रायगढ़ की कुल 5 सीटों पर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 2 सीटें बीजेपी पार्टी को हासिल होती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए महासमुंद की कुल 4 सीटों पर तो 4 में से कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जांजगीर चंपा की कुल 6 सीट पर बात की जाए तो 6 में से कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। उत्तर बक्सर की कुल 3 सीटों पर बात की जाए तो 3 में से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है अब की बार, 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात की जाए रायपुर की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 से 4 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात की जाए अगली सीट राजगंध की कुल 6 सीटों पर तो 6 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार।
वही दोस्तों बात करें जो अगली सीट जसपुर की, कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर दुर्ग जिला की कुल 6 सीटों पर बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीट का और 0 से 1 सीट का आकलन होता नजर आ रहा है अन्य पार्टी के खाते में। रायगढ़ की कुल 5 सीट पर बात की जाए तो 5 में 0 से 2 सीट का आकलन बीजेपी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट कांकेर की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी को 0, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।